अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकात। हमारी आज की ये नशिस्त गुज़श्ता से पेवस्ता है। पिछली नशिस्त में हमने सूरह हजरात की आयत नंबर 12 से एक टॉपिक लिया था। इसमें आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने एक छोटी सी सूरत में तीन अहकाम नाजिल फरमाए। तीन में से पहला हुक्म अल्लाह ताला का गुमान से मुतालिक था, जिसमें हमने तफसीली गुफ्तगू की अपनी पिछली नशिस्त में। आज हम इसमें दूसरा हुक्म जो कि टोह से मुतालिक है, तजस्सुस से मुतालिक है, उस पर हम बात करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर एक बार चाहूँगी कि मैं सूरह हुजरात का तर्जुमा एक बार फिर अच्छा आपकी खिदमत में गोश गुजार कर दूँ। ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, और किसी की टोह में ना लगो और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश खाए, उससे तो तुम खुद नफरत करते हो। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला बहुत मेहरबान है। अब ये टो लेना यानी कि तजस्सुस करना एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए इंसान इस कोशिश में रहता है कि वो दूसरे की ज़ात में छुपी खामियों को तलाश करे, फिर खामियों की तशहीर की जाए, इसकी इज़्ज़त को नीलाम किया जाए या इन खामियों का मजाक उड़ाया जाए। ज़ाहिर है खामियां तलाश करने का मकसद कोई अच्छाई में तो नहीं लेना है, कि उसकी कोई इसलाह तो करने का मकसद नहीं होता। तजस्सुस का मकसद ही ये होता है, टो का मकसद ही होता है किसी तरीके से उस शख्स की ज़ात को मजाक का निशाना बनाया जाए। और बाज़ औक़ात तो लोग ये समझते हैं कि हम उसमें खामी निकाल के उसकी ज़ात को मजाक का निशाना बना के इस तरह लोगों को हंसाएंगे। हालांकि इस तरह एक शख्स आज़ार में दुख में मुबतला होता है और बेसकून भी हो जाता है, और कभी कभार मजाक में की गई बातें दूसरों की ज़िंदगियों में जहर भी घोल देती हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग जो होते हैं ख़ुदकशी की तरफ भी चले जाते हैं। इस्लाम इस तरह की ऐबजोई जासूसी गुमान से रोकता है। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह हजरात में कह दिया कि एक दूसरे की जासूसी ना करो। तो गोया किसी की जासूसी करने, टो लेने और गीबत करने से मना फरमा दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना हमारे लिए जहाँ बहुत सी मिसालें अपने अंदर समोए हुए, वहाँ अल्फाज के बेहतरीन चुनाव और अपनी ज़बान से दूसरों को महफूज रखने के लिए वाज़े मिसालें रखता है। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान को पकड़कर हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला को नसीहत फरमाई, ज़बान को काबू में रखो। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो कुछ बोलते हैं तो क्या इस पर हमारी गिरफ्त होगी? आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज़, अल्लाह तुम्हारा भला करे, जहन्नुम में लोग ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से ही औंधे मुँह गिरेंगे। एक और जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। इन अहदीस से साबित है कि माशरे में बहुत सी बुराइयां ऐसी हैं जो ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से जन्म लेती हैं। यही वजह है कि इस्लाम ज़बान के बेहतर इस्तेमाल का हुक्म देता है और इन बुराइयों को पैदा होने से पहले ही रोक देना चाहता है जो ज़बान के गलत इस्तेमाल से पैदा हों। काबिल गौर बात यह है कि किसी की जासूसी करके इसके ऐप को बयान करना किसी को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसकी मिसालें हमारे माशरे में भरी पड़ी हैं। जब किसी के ऐप बयान किए जाते हैं तो लोग उस पर शक करने लगते हैं। इस तरह किसी भी शख्स का किरदार किसी दूसरे के चंद बोलों की वजह से दागदार हो जाता है, घर भी उजड़ जाते हैं, बहुत सारे निफाक पैदा हो जाता है माशरे में। और जबकि हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे माशरे में तो ये रवैया बहुत आम होता जा रहा है कि अपने काम से काम रखने के बजाय लोग ज़्यादातर दूसरे की टो में रहते हैं, चाहे वो हमारे दफ्तर हो, हमारे घर हो, गली मोहल्ला हो, मीडिया हो, सियासत के मैदान हो, ऐवान पार्लियामेंट हो, मदरसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हर जगह ये रवैया आम होता जा रहा है। हमारे माशरे का आम तबका तो एक तरफ कौमी असम्बली में बैठे हुए अरकान तो एक दूसरे की ज़ातियात पर जुमलेबाजी या बयानबाजी करते नज़र आते हैं, बजाय इसके कि लोग अपनी ज़ात को संवारने या अपने आप में मौजूदा खामियों को दूर करें, लोगों की तवज्जो इस बात पे रहती है कि कोई दूसरा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, किसी को क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए और किसको अपने हक में किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरों की टो लेना ये जानने की कोशिश कि दूसरे क्या कर रहे हैं, लोग इसमें बेतहाशा दिलचस्पी लेते हैं। इसकी सबसे नुमायाँ मिसाल माशरती रबते की वेबसाइट फेसबुक है, जिसके मालिक मार्क ज़करबर्ग का कहना है कि उन्होंने ये महसूस किया कि माशरे में आम लोगों का रवैया है कि खुद से ज़्यादा दूसरों के हालात में दिलचस्पी रखते हैं। इस फलसफे के तहत ये वेबसाइट बनाई गई और ये आज वेबसाइट दुनिया की मशहूर तरीन वेबसाइट है। अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, तनख्वाह कितनी है, बच्चे क्यों नहीं हुए, शादी के बाद नौकरी क्यों कर रही है, तलाक क्यों हुई, दूसरों की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत की चंद मिसालें। मान लिया तजस्सुस एक फितरी अमर है, लेकिन किसी की ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक सवाल करने से आपको क्या हासिल होता है? दूसरों की टो लेना, ये जानने की कोशिश करना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उनकी निजी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लोग इसे बेतहाशा दिलचस्पी लेते हैं। दूसरों से उनकी निजी ज़िंदगी के मुतालिक सवाल करना
उनके मामले में मुदाखलत करना उनका वतीरा होता है और शान बेनियाजी देखी उन्हें अपनी इस खूबी का एहसास तक नहीं होता है। यहाँ सवाल ये पैदा होते हैं, दूसरों की टो क्यों ली जाती है। इसकी दो बुनियादी वजह, एक तो ये कि जो लोग माशरे में अपनी मेहनत या अपने खुश अखलाकी के बायस कोई बेहतर मकाम हासिल करते हैं तो उसे किसी तरह चाहते हैं कि लोग इसकी ज़ातियात पर दखल देकर उसकी ज़ाती खामियों को तलाश करके उन्हें जरमाने जद आम करके उसे बदनामी का शिकार कर दिया जाए। इस तरह उसकी इज्जत और तौकीर में खुद कमी आ जाएगी, उसने जो मकाम हासिल किया उस मकाम में उसको गिरा दिया जाए। ये इन लोगों का वतीरा है जो ख़ुद इतनी मेहनत नहीं कर सकते और खुश अखलाक़ी का मुजाहरा करना उनके लिए मुश्किल होता है और ये लोग अपने हसद की वजह से दूसरों की इज्जत में कमी करने की कोशिश करते रहते हैं या उसकी कोई कमज़ोरी पकड़ के उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। इस तरह का रवैया ज़्यादातर आपको सियासत और मीडिया में देखने में आता है, जहाँ लोगों के काम के बजाय सियासी कारकुनान दूसरे लोगों की ज़ातियात पर तनकीद करके उन्हें आवाम की नज़रों में गिरा दिया जाता है। ये शोहरत हासिल करने का एक बदतरीन ज़रिया है जिसकी इस्लाम में सख्ती से ममानियत है। टो लेने की दूसरी बड़ी वजह लोगों के अंदर अपनी कमी और कोताही होती है या वो किसी असासी जुर्म में मुब्तला भी होती है जिसकी बुनियाद पर समझते हैं कि यही कोताही दूसरा शख्स भी कर रहा होगा। वो अपना गलत रवैया अपना असासी जुर्म दूसरों की ज़ात में ढूंढने लगते हैं। हालांकि अगर अपने काम से काम रखा जाए, दूसरों का एहतराम किया जाए तो माशरे में बहुत सी बुराइयाँ जन्म ना लें, क्योंकि बहरहाल एक इंसान की तरक्की दूसरे इंसान की तनज़ली से मशरूत नहीं है, लेकिन किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर भी तरक्की के जीने तय किए जा सकते हैं। जहाँ पे एक छोटा सा वाक़या मैं आपके गोश गुजार कर दूँ कि आपने सुना होगा यकीनन, से ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कॉमन भी है कि एक स्कूल में एक उस्ताद ने तख्ते से आप एक मुतवाजी लकीर खींची और पूछा इस लकीर को दूसरी लकीर से किस तरह छोटा किया जा सकता है। तुलवा में से एक ने कहा कि इसको मिटा दिया जाए ये छोटी हो जाएगी, तो किसी ने कहा कि इसको दरमियान से मिटा दिया जाए तो दो में तकसीम होकर खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। उस्ताद ने शर्त लगाई कि लकीर को कहीं से भी मिटाए बगैर किस तरह छोटा किया जा सकता है। तमाम तुलबा में से एक होने हर तालिब इल्म था, उसने उठा और उसने कहा कि चौक मेरे हाथ में दी जाए। वो आदमी चौक बच्चा चौक लेके तख्ता सियाह तक पहुंचा, उसने उसके पहली लकीर के मुतवाजी एक लकीर बड़े साइज़ की खींच दी और कहने लगा, सर अगर पहले से खींची गई लकीर से बड़ी लकीर खींच दी जाए तो पहली लकीर अस खुद छोटी हो जाएगी। इस वाक़े ने मुझे ये सोचने में मजबूर किया कि अपनी हैसियत बनाने या अपनी इज़्ज़त में इजाफे की खातिर ज़रूरी नहीं कि दूसरों की इज़्ज़त में कमी करने की कोशिश की जाए, बल्कि उनसे ज़्यादा मेहनत करके या दूसरे शख्स से ज़्यादा अखलाकियात का मुजाहरा करके अस खुद इज़्ज़त और तौकीर में इजाफा मुमकिन है। कि गर्ज माशरे में मौजूद अगर शख्स दूसरों पर तनकीद और तहकीक के बजाय ख़ुद अपने आप को संवारने लग जाए, अपना मुहासबा कर लें, अपना मुआवजा कर लें, तो कोई बईदनी का माशरा खुद ब खुद संवर जाएगा। बस एक छोटी सी बात जो आप तक गोश गुजार करनी थी कि छोटे छोटे अहकाम अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सूरतों में नाजिल किए जो कि हमारी अखलाकियात से मुतालिक हैं, जो कि हमारे रोज़मर्रा के मामूलात से मुतालिक हैं, अगर हम अपनी इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो कोई बईदनी हम बजाय इसके कि शिकायत करते फिरते कि माशरा इस कदर ख़राब हो गया है, इर्द गिर्द हमें हर जगह बुराई नज़र आती है, यकीनन हमें बुराई के बजाय फिर अच्छा ही नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो हमारी कोशिश ये है कि छोटे छोटे पैगाम आप तक जो कुरान में और हदीस से साबित हैं और जिनके शवाहद और दलील कुरान और हदीस से साबित हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। तो उम्मीद है हमारी आज की नशिस्त से आप मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे और हमारी हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मौजूए गुफ्तगू के साथ अगले नशिस्त में। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।